जरूर बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। और ये बिजनेस दोस्तों बहुत ही सिंपल है, और ऐसे बिजनेस करने वाले लोगों की संख्या जो है बहुत ही कम है। यानी अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो 100 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है, आगे हम आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों वीडियो में जो मशीन आपको दिख रही है वो है एल्युमिनियम फॉयल से कंटेनर बनाने की मशीन, जिसे एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर मेकिंग मशीन कहते हैं। और आपको बाजार में ये मशीन सिंगल कैविटी, डबल कैविटी और थ्री कैविटी मोल्ड के साथ सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। और इस मशीन के जरिए अलग अलग साइज और डिजाइन के कंटेनर और प्लेट को बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। मशीन में एक साइड एल्युमिनियम फॉयल का रोल लगा हुआ है और मशीन में लगे डाई के हिसाब से मशीन अपने आप एल्युमिनियम फॉयल के बॉक्स तैयार कर रही है। और ऐसे प्लांट को आप केवल एक ऑपरेटर और दो हेल्पर की मदद से बड़े आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों पहले इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और रॉ मटेरियल्स और मशीन कैसे खरीद सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों मशीन से जो वेस्ट निकल रहा है ये वेस्ट भी बिक जाता है, यानी वेस्ट को भी आधे से ज्यादा रेट पे बेचा जा सकता है। और अगर बात करें एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर बनाने की मशीन की, तो इस मशीन के जरिए आप 100 के आसपास कंटेनर एक मिनट में बना सकते हैं और आप 8 घंटे काम करके 35,000 से 40,000 कंटेनर तैयार कर सकते हैं। और ये मशीन आपको सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। ये 3 फेज बिजली से चलती है और इसके लिए 410 वोल्ट की बिजली की जरूरत होती है। और ये मशीन आपको बाजार में 12 लाख से 18 लाख रुपीज में मिल जाएगी, यानी जैसे मशीन की कैपेसिटी वैसा मशीन का प्राइस। और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इस बिजनेस की शुरुआत आप 20 से 22 लाख रुपीस में कर सकते हैं। और अगर आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तहत आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे प्लांट के लिए लोन भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर के मार्केटिंग की, तो इसका इस्तेमाल लगभग हर रेस्टोरेंट, होटल्स, ढाबा, फूड स्टॉल, सुपर मार्केट, बेकरी शॉप, स्वीट शॉप इत्यादि के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा तैयार फूड्स स्वीट्स को पैक और सर्व करने के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल में पैक किए गए खाने को बिना खराब हुए ज्यादा से ज्यादा देर तक रखा जा सकता है। और इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको मार्केट में थोड़ी रिसर्च करनी होगी। आपको पता करना होगा कि आपके कंपटीटर किस क्वालिटी का कंटेनर बना के किस प्राइस में बेच रहे हैं, और इसके लिए आपको होटल्स, रेस्टोरेंट, बेकरी शॉप इत्यादि से कॉन्टेक्ट बनाने होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट को पता करना होगा। इसके अलावा आप अपने एरिया के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपनी प्राइसिंग और सैंपल दिखाएं और मार्केट के हिसाब से अपना प्राइस सेट करें। और शुरुआत में उस साइज और डिजाइन के कंटेनर बनाए जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है, यानी जो ज्यादा बिक रहा है, और गांव से ज्यादा शहरों में इसे प्रमोट करने की कोशिश करें। वहीं दोस्तों इस बिजनेस के लिए जो मेन रॉ मटेरियल है वो है एल्युमिनियम फॉयल, और इसके सप्लायर आपको हर बड़े शहर में मिल जाएंगे जिनके जरिए आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको ये एल्युमिनियम फॉयल बाजार में अलग अलग माइक्रोन में मिल जाएगा, जैसे 7 माइक्रोन, 9 माइक्रोन, 11 माइक्रोन इत्यादि। और बाजार में आपको ये फॉयल 150 से 200 रुपीज पर केजी के आसपास मिल जाएगा, और आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये रोल ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको एल्युमिनियम फॉयल के अलावा अपने द्वारा तैयार कंटेनर को पैक करने के लिए कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स की भी जरूरत होगी, जैसे कॉरगेटेड बॉक्स, टेप इत्यादि। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कुछ रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत होगी, जैसे आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ROC के अंतर्गत कराना होगा। आप इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको खुद को उद्योग आधार में भी रजिस्टर कराना होगा और ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा। इसके अलावा GST का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और BIS सर्टिफिकेशन
लोकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप शहर में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको पॉल्यूशन और फायर डिपार्टमेंट से NOC भी लेना पड़ेगा। और दोस्तों ये सारा रजिस्ट्रेशन आप किसी बिजनेस कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से बड़े आराम से करा सकते हैं। आप जहां से ये मशीन खरीदेंगे आपको ट्रेनिंग भी वहीं से मिल जाएगी। दोस्तों आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।